कि मैं ऑल गैल्विन से आज बात कर पाऊंगी। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, अपनी कंपनी का धन्यवाद करती हूँ, मोदी सर और मेरी सारी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आज मुझे बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। दोस्तों, कहा जाता है कि जो काम करने वाले होते हैं ना, वो कहीं पर भी हो वो काम कर लेते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरे कर लेते हैं। मैं आज की बात स्टार्ट करूंगी एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपना जीवन यापन गुब्बारे बेचकर करता था। उसके गुब्बारे की बिक्री जब कम होती ना, तो वो जहां बच्चों को देखता वो रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ा देता था। एक बार ऐसे ही हुआ, वह रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ा दिया, तभी एक छोटा सा बच्चा आया और वो बच्चा उस व्यक्ति से, यानी गुब्बारे वाले व्यक्ति से, उस व्यक्ति से बोलते हैं, अंकल अंकल मुझे वो गुब्बारा दीजिए जो सबसे ऊंचा उड़ रहा है, जो कि नीले रंग का है। तब वो गुब्बारे वाला व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा कोई भी गुब्बारा रंग की वजह से नहीं आसमान में उड़ता, वो इसलिए आसमान में सबसे ऊंचा उड़ रहा है, उसके अंदर जो चीज भरी है ना, ये उसकी वजह से है। यानी कोई भी गुब्बारा हरा हो, पीला हो या नीला हो, इसकी वजह से सबसे ऊंचा नहीं उड़ रहा था, बल्कि उस गुब्बारे के अंदर जो चीज भरी थी ना, उसकी वजह से ऊंचा उड़ रहा था। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कामयाबी पाते हैं, वो हमारे अंदर की ताकत होती है। कहते हैं कि ग्लेज में कामयाब होना, ग्लेज में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम लड़का है या लड़की, हम गरीब है या अमीर, हम कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे, हम गांव के रहने वाले या शहर के रहने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिस व्यक्ति के अंदर सपनों की आग हो, कुछ कर गुजरने का जुनून हो, कभी ना हार मानने वाला नजरिया हो और हौसला बुलंद हो, वो भी यहाँ पर कामयाब हो सकता है, वो भी अपनी पहचान बना सकता है, वो भी ग्लेड में अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, मेरा नाम रंजनी कुमारी, मैं दुमका झारखंड की रहने वाली हूँ। दोस्तों, ग्लेज में आने से पहले अगर मैं उस समय की अपनी लाइफ की बात करूं, आज तो मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं जो ग्लेज में इस मुकाम तक पहुंची हूं, क्या एक दिन अचानक पहुंच गई? नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक दिन आई थी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी मेरी पहले की लाइफ क्या थी। दोस्तों, मैं ग्लेज बिजनेस में आने से पहले पढ़ाई कर रही थी, बीए पार्ट वन की स्टूडेंट थी। मेरे घर की मैं बात करूं तो हम 5 भाई बहन हैं और हम सबकी जिम्मेदारी मेरे पिताजी उठाया करते थे। मेरे पिताजी सरकारी जॉब करते थे और सबका खर्चा जो था वो मेरे पिताजी के कंधों पर था। मैं देखती थी अपने पिताजी को, महीने में जो सैलरी आती थी वो हमारी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, राशन दुकानदार, इन सब में देते हुए खत्म हो जाता था। सपनों की बात तो दूर की बात है, मैं अक्सर अपनी माता पिता को सपनों को मारते हुए देखी थी, क्योंकि जॉब क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं तो जिंदगी समझौते वाली होती है, किसी तरह से जिंदगी चल रही थी, जरूरतें पूरी हो रही थी। पर वो कहते ना, सपनों को पाना, सपनों की बात तो दूर की है, तो किसी तरह जिंदगी कट रही थी, चल रही थी। मैं देखते थे मेरे पिताजी सुबह उठते थे, 10 बजे ड्यूटी पर जाते थे, कई बार ऐसा होता था कि वो काम से महीनों तक ऑफिस के काम से बाहर ही रहते थे। हमारा पूरे, मतलब हम 5 भाई बहन का जिम्मेदारी, हमारा अच्छा कल्चर देना, अच्छा सा परवरिश करना, मेरी मम्मी अकेले किया करती थी, पिताजी पैसे कमाने में उधर ही बिजी रहते थे, क्योंकि एक आदमी
हमारी जरूरतों के लिए पैसा इंतजाम करने में लगे हुए थे और एक हमारी परवरिश करने में लगे थे, यानी माता पिता दोनों मिलके हम सबकी, हम पांच भाई बहन की परवरिश कर रहे थे अपने सपनों को मारते हुए, हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी पढ़ाई देने के लिए। वहां पर मैं देखती थी कि अगर कोई अच्छी चीज लेने की भी बात आती ना तो सोचना पड़ता था। उस वक्त चलने के लिए मेरे पास कोई वाहन नहीं था, एक पुरानी साइकिल थी जिसे हम पांच भाई बहन मिलकर चलाया करते थे। उस वक्त अगर मैं सोचती कि स्कूटी लूं तो दूर की बात, पता नहीं कब ले पाते, ऐसा तो मुश्किल था। लेकिन दोस्तों इच्छाएं बहुत थी, हमें पढ़ाया लिखाया जा रहा था कि बेटा पढ़ो लिखो अच्छे से ताकि तुम भी एक अच्छी नौकरी करना, ये बताया जा रहा था। और इसलिए हम पढ़ रहे थे क्योंकि हमारे सामने आसपास जो माहौल था यही था, पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी करो, यही बातें बताई जा रही थी। और मैं भी इसीलिए भाग रही थी, इसीलिए पढ़ाई कर रही थी कि अच्छा मार्क्स आए तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। पर सपने थे, मेरा सपना था एयर होस्टेज बनना। दोस्तों मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी जब मैंने एयर होस्टेज के लिए अप्लाई की थी। एयर होस्टेज में अप्लाई की दोस्तों, उसमें एग्जाम हुए, मैं एग्जाम भी पास कर गई, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी पास कर गई। बहुत खुश थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस शहर से मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं और मेरे परिवार सभी लोग बहुत खुश थे कि मेरी बेटी का एयर होस्टेज में सिलेक्शन हो गया। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो एयर होस्टेज में सिलेक्शन हुआ, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी सैलरी होगी, कम से कम ये कंप्रोमाइज वाली जिंदगी तो नहीं गुजारनी पड़ेगी। पर दोस्तों कहा जाता है कि हमें सिखाया गया था बेटा उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर है, सपने तो बड़े थे। पर जब जाने की बारी आई दोस्तों, उस वक्त एक लेटर आया और उसमें ये लिखा था आप जब आओगी तो आपकी ट्रेनिंग की जो फीस होगी वह 2.5 लाख रुपया है। दोस्तों ये 2.5 लाख का इंतजाम हम नहीं कर पाए। मेरे पिताजी जॉब करते थे, मेरे फैमिली में अगर मैं बात करूं, मेरे बड़े पापा भी जॉब करते थे, मेरे नाना जी भी जॉब करते थे, उसके बावजूद 2.5 लाख रुपया इंतजाम करना मेरे लिए मुश्किल हो गया, मैं नहीं कर पाई और मेरा पहला सपना यहाँ टूट गया। दोस्तों पहला सपना जब टूटा तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पैसे की अहमियत क्या होती है, पैसा कितना मायने रखता है। कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं मिलता, पैसा भी बहुत जरूरी है। तब मैं ठानी थी कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहां पर बड़ा इनकम हो, किसी तरह की जिंदगी नहीं काटना है। ये मैं तब ठानी थी कि मुझे 10-15 हजार में जिंदगी नहीं गुजारना है, मुझे भी 50 हजार कम से कम कमाना है, ये मेरी सोच थी। लेकिन कहा जाता है कि जब रास्ता ही बंद हो जाए तो क्या करें। दोस्तों उस वक्त मैं बहुत निराश हो गई थी और मुझे लगा कि चलो, मैं मन ही मन सोची रंजनी चलो कोई बात नहीं है, पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, बीएड कर लेना, हो सके आगे कहीं टीचर में लग जाए। खुला और वो जो ऑफिस था वो हमारे ही घर पर खुला था, यानी हमारे घर पर दो व्यक्ति आए, उन्होंने मकान किराए पर लिए और वहां पर ग्लेज का ऑफिस खोल दिए। जब ग्लेज का ऑफिस खुला दोस्तों, तो मैं देखती थी कि वहां पर हमारे उम्र के लड़के लड़कियां आते थे और वो लोग पता है बड़ी बड़ी बातें करते थे, 50,000, 60,000, लाखों कमाने की बातें करते थे। वहां 10-15 हजार की बातें कोई नहीं करता था, सब कहता था बड़ी बड़ी बातें, 50,000 कमाना है, हमें 2 व्हीलर निकालना है एक मंथ के इनकम से, हमें 4 व्हीलर लेना है, हमें फ्लाइट से सफर करना है। मैं हैरान थी ये लोग करते क्या है यहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मुझसे रहा नहीं गया, मेरे अंदर इतना जिज्ञासा जगी कि यहाँ होता क्या है। मैं वहां के फ्रेंचाइजर से पूछ बैठी कि सर यहाँ होता क्या है,
मुझे भी जानना है, मुझे भी आपकी ऑफिस में काम करना है। फिर वहां के जो फ्रेंचाइजर थे उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हमारा जो सिस्टम है हमें भी उसी सिस्टम पर लाया गया। मुझे बताया गया कि आपको अपने गार्जियन के साथ आना होगा, 1 घंटे का टाइम देना होगा और पूरा प्रेजेंटेशन यानी कि क्या काम है ये पहले समझना होगा, फिर आपको यहाँ पर करना है या नहीं करना उसके बाद का डिसीजन होगा। तो मैं बोली ठीक है सर। मैंने संडे का दिन निकाला और संडे को मैं अपने भाई के साथ प्रेजेंटेशन दे गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी दोस्तों। वहां पर मैं देखी, सबसे पहले तो वहां का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे ऑफिस गई लोग बहुत सम्मान दे रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे। उसके बाद प्रेजेंटेशन में बताया गया कि किस तरह से हम प्रमोशन लेंगे। ज्यादा बातें तो समझ में नहीं आती है पहली बार, पर मुझे मोटी मोटी बातें समझ में आई थी, ये कि 4 मंथ में 50,000 का चेक बना सकते हैं, स्टार सीनियर डायरेक्टर बनके 50,000 60,000 का इंसेंटिव कमा सकते हैं। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बातें क्या थी, काम करना क्या है। तो काम के मतलब में मुझे ये दिखा कि यहाँ काम कुछ नहीं, बस जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वही प्रोडक्ट गैलरी में भी है, वही प्रोडक्ट आपको यूज करना है और जब अच्छा लगे तो आपको लोगों के साथ शेयर करना है। तीसरा चीज मुझे क्या अच्छा लगा कि ये काम हम अपने घर में रहकर भी काम कर सकते हैं। स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जॉब क्लास हो, कोई भी बड़े आसानी से इस काम को कर सकता है। मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। एक तो पहला कम टाइम में बड़ा पैसा कमाना और मेरी सोच थी बड़ा पैसा कमाना। दूसरा यहाँ पर वो प्रोडक्ट है जो हम डेली यूज करते हैं। तीसरा हम घर पर रह के काम कर सकते हैं और इसे हर कोई कर सकता है। इसके लिए आपको बड़ी बड़ी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आप के पास जितनी यानी कि आप जो पढ़ाई लिखाई किए हैं उसी से आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर यानी कि साक्षर होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, आप समझ सके चीजों को, उम्र 18 साल होना चाहिए और आप भी गैलवे बिजनेस को कर सकते हैं। ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं तुरंत बोली कि यस मुझे ये काम करना है। लेकिन दोस्तों एक स्टूडेंट के लाइफ में वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, वो डिसीजन अपने गार्जियन के साथ लेना पड़ता है, गार्जियन से पूछ कर लेता है। मैं भी स्टूडेंट थी, मेरा उस वक्त इनकम कुछ नहीं था और मैं उसके बाद घर आई दोस्तों। प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं और मेरा भाई घर आए और घर में आके प्रेजेंटेशन के बारे में बात की। मैं तो बहुत खुश थी, बहुत उत्साहित थी कि मैं अपने पिताजी से बोली पिताजी बहुत अच्छा काम है, यहाँ पर मैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊंगी और मैं 4 मंथ में ही 40,000 से 50,000 कमाने लगूंगी। ये बातें सुन के मेरे घर में सभी लोग हंसने लगे और बोले बेटा ये काम तेरे लिए नहीं है, ये काम तू नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई भी गया था, उन्होंने प्लान को अच्छी तरह से समझाया घर में और मुझे मेरे घर से मना कर दिया गया, बोला गया ये काम तेरे लिए नहीं है, तू नहीं कर सकती और खासकर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाई को भी काम अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो पहले भी इस तरह के काम के बारे में सुन चुका था, उसने तो पहले ही मना कर दिया। और जब मैंने कहा कि मुझे करना है तो मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया। तब दोस्तों फिर मुझे लगा अब मैं क्या करूं। कुछ दिन तक मैं शांत रही पर हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पर का जो सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही कमाल का है। हमारे अप्लाइंट जिन्होंने मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया था वो मुझे फॉलो अप करते हैं और एक दिन हमारे घर पर आकर मुझसे और मेरे पिताजी से मिले और वहां पर जिसे हम सब कहते हैं 1-to-1 प्लान को दिखाना, GIG करना, मेरे घर पर आके दोस्तों 1-to-1 फिर से प्रेजेंटेशन दिया गया, पूरे प्लान को समझाया गया। उसके बाद मेरे पिताजी इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए और उन्होंने मुझे परमिशन दिया। उन्होंने मुझे से परमिशन ही नहीं दिया बल्कि मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन किए, दोनों साथ में ज्वाइन किया। हालांकि मेरे पिताजी जॉब करते थे तो वो अक्सर बाहर रहते थे, वो यहाँ टाइम नहीं दिए, पर मैं इस काम को फुल टाइम दे के काम करने लगी। उस वक्त मैं स्टूडेंट थी तो पढ़ाई के साथ साथ कर रही थी दोस्तों, आगे चल के मैंने इसमें फुल टाइम दिया
शुरुआत में मुझे लगा काम तो बड़ा इजी है। यहाँ से जब हमारी कहानी शुरुआत होती है, यानी विलेज में जब हमने कदम रखा, शुरुआत में मुझे लगा ये काम तो बड़ा आसान है, बस दो चार दोस्त को लाना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है और 4 महीने में सीनियर डायरेक्टर बन जाना है। ये मुझे अच्छा लगा और मैं दोस्तों मेरे अपलाइन ने कहा शायद आपकी भी अपलाइन कहते पहले ट्रेनिंग लो। मुझे लगा मैं क्या करूंगी ट्रेनिंग लेके, मैं पढ़ी लिखी हूँ मुझे सब आता है, मैं जानती हूँ। मेरे अपलाइन ने कहा कि लिस्ट बनाओ, मैं बोली कि सर मुझे याद है, मैंने अपलाइन को बोला हाँ बना लूंगी पर मन ही मन सोची मुझे तो याद है लिस्ट बना के मैं क्या करूंगी, बस अपने दोस्तों को तो दिखाना है। दोस्तों मैंने लिस्ट भी नहीं बनाया, ना ट्रेनिंग ली ना लिस्ट बनाया और काम करने फील्ड में उतर गई, यानी कि लोगों से बात करना स्टार्ट कर दी। लोगों को बोलते कि हमारे घर में बड़ा शानदार ऑफिस खुला है, 4 महीने में 50,000 तुम भी कमा सकोगे। और दोस्तों इस तरह करके मैंने जब लोगों से बात करना स्टार्ट किया, यहाँ पर जितने भी हमारे बीडी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें पता है शुरुआती दौर में बहुत तारीफें मिलती है, फूल बरसते हैं, है ना, तारीफों के फूल बरसते हैं समझिए। तो शुरुआती दौर की तारीफें मुझे मिलना शुरू हो गई, जहां जाती पता नहीं मेरे जाने से पहले उनको पता चल जाता था मैं क्या काम करती हूँ और मैं क्यों आई हूँ, पहले से पता चल जाता था। और लोग मुझसे दूरी बनाने लगे, मेरे जो जितने करीब थे जो बेस्ट फ्रेंड थे वो मुझसे दूर होते चले गए, लोग मुझसे बातें करना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता कि ये फिर अपने काम के लिए बोलेगी। कई लोग तो मुझे समझा देते कि रंजनी वक्त है अभी भी समझ जा, पहले पढ़ाई कर लो, ये कौन से काम में तू फंस गई है, अच्छा से पढ़ लो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जो हमसे बड़े थे वो मुझे समझा देते और हमारे दोस्त बोलते यानी कि तारीफ करने लगते। शुरुआती दौर में आप सभी लोग जानते हैं जब लोग जब आप कामयाबी की ओर जाते हैं तो लोग आपके साथ नहीं होते, लोग आपका विरोध करते हैं, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था दोस्तों, शुरुआती दौर में बहुत परेशानी आई, ये आप समझ सकते हैं। आप लोग भी बहुत सारे लोग इस जगह से गुजरे होंगे या फिर आप लोग खुश नसीब होंगे शायद आपके साथ ऐसी परेशानी ना आई हो। मेरे साथ काफी परेशानी आई, लोगों ने खूब तारीफें की, यानी कि जिधर जाती थी उधर तारीफ सुनने को मिलता था। और एक दिन मैं भी हार गई, हार मान ली, मैं बोली कि मुझसे ये काम नहीं होगा। हालांकि मैंने जब ज्वाइन किया था दोस्तों तो बड़ी खुशी के साथ मैंने शुरुआत में यानी कि ज्वाइनिंग के साथ ही मैंने 600 पीवी कंप्लीट कर लिया था, 600 पीवी का प्रोडक्ट लिया था, बहुत खुश थी और काम की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जब लोगों से बात किए ना तब मैं हार गई, अब लगा मुझसे ये काम नहीं होगा। और फिर मैं अपने अपलाइन के पास गई और बोली कि सर अब मुझसे ये काम नहीं होगा, जो पैसा लगा जितने के प्रोडक्ट लिए उतना ठीक है, अब आगे मैं काम नहीं करूंगी। मेरे दोस्त सही कहते थे, रिश्तेदार सही कहते थे, लड़कियों के लिए ये काम नहीं है, मैं नहीं कर सकती। फिर मेरे अपलाइन मुस्कुराते हुए जवाब दी, क्योंकि अपलाइन को तो पता होता है ऐसा तो सुनना ही है था, वो कहे मुझे पता था आप ऐसा ही बोलोगी। मैं बोली क्यों सर, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने तो मेरी बात पहले सुनी नहीं तो अभी मुझे आपकी बात सुननी पड़ रही है, मुझे पता था। उन्होंने कहा था पहले सीखो, पहले ट्रेनिंग लो, लिस्ट बनाओ। मैंने तो कुछ नहीं किया था, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब मेरे अपलाइन ने कहा कि अगर कामयाब होना है ना तो पहले सीखना पड़ेगा, अब आप मेरी बात मानिए और 10 दिन तक लगातार आप पहले सीखिए, उसके बाद लिस्ट बनाइए और अब मैं भी आपके साथ हूं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, इस बार आप मेरी बात मानिए, फिर आपको जैसा लगे 15 दिन के बाद आप उसे अपनी मर्जी से करिएगा। मैंने अपलाइन की बातों को मानी और मानकर दोस्तों लगातार 10 दिन तक मैं ट्रेनिंग ली लगातार, जिसमें सबसे पहले मुझे 4R की ट्रेनिंग में बिठाया गया था, आप लोग जानते हैं SO, जहां पर मुझे मेरा रिजेक्शन क्लियर हुआ, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले। उसके बाद मुझे बताया गया पावर ऑफ टीम वर्क, प्रोटेक्ट योर मैसेज, हाउ टू अप्रोच, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। जब मैं सारी ट्रेनिंग्स ली ना तो मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलती कर बैठी थी, क्यों मैं अपना
प्रमोशन नहीं ले पाई, क्यों नहीं मैं किसी को यहाँ तक प्रेजेंटेशन तक बुला पाई, क्या रीजन था। और दोस्तों उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग ली तो मुझे ये बातें समझ में, और फिर जब मैं काम करने के लिए उतरी तो फिर तो काम यकीन मानिए जैसे जादू होने लगा। दोस्तों यहाँ मुझे एक कहानी याद आती है, एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो दोस्तों एक बार की बात है, ये एजुकेशन को ही लेकर कि ट्रेनिंग कितना मायने रखती है हमारे जीवन में। दोस्तों वो कहता है ना कि जब हम सीख लेना तो सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ा ले, ना सीख कर तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते। बिल्कुल ग्लेज बिजनेस भी ऐसा ही, आप कितने भी पढ़े लिखे हो अगर आप यहाँ की ट्रेनिंग नहीं लेंगे ना तो काम नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तो मुझे भी ये बातें तब समझ में आई जब मैं ट्रेनिंग ली। दोस्तों एक बार की बात है, ऐसे ही एक व्यक्ति हार मान के एक गार्डन में बैठा था, एक बिजनेसमैन था वो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसकी बिजनेस डूबने की कगार पर थी और वो सोच रहा था काश कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी हेल्प करे और मेरा बिजनेस फिर से उठा दे और फिर से खड़ा हो जाए। वो सोच ही रहा था पूरा उदास होकर, तभी उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वो पूछा, बेटा आप क्यों उदास हो। तो वह व्यक्ति बोला कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरा हेल्प करे, मेरा बिजनेस डूबने की कगार पर है। वो अपनी सारी बातें कह दी, सारी बातें सुना दी उस बूढ़े व्यक्ति को, बिजनेसमैन ने। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जेब से एक चेकबुक निकाला और उस चेकबुक में साइन करके उस बिजनेसमैन को दे दिया। बिजनेसमैन को जब दिया तो बिजनेसमैन देखा कि ये तो 50 लाख का चेक है और उस पर जो साइन था वो उस शहर का सबसे बड़ा, सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर का था। वो जब तक उस व्यक्ति से कुछ बात करता तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से जा चुका था और उसने कहा था कि जब तुम्हारा बिजनेस उठ जाए ठीक 1 साल के बाद मैं यहीं पर मिलूंगा, तब आप मुझे ये चेक वापस कर देना। वो बिजनेसमैन वो चेक को लिया और जाकर पूरी जोर शोर से लग गया अपने काम में, लोगों से बात करने लगा, प्रेजेंटेशन देने लगा, प्लान देने लगा। इस तरह करते करते उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। और गजब की बात तो ये है दोस्तों, कमाल की बात यह है कि वो बिना चेक को निकाले उसने अपना बिजनेस को फिर से खड़ा कर दिया, फिर से उसी मुकाम पर आ गया। 1 साल बीत गए, वो बिजनेसमैन को याद आया कि ये चेक मुझे लौटाना है। वो व्यक्ति 1 साल के बाद ठीक उसी पार्क में गया और वहां पर वही बूढ़ा व्यक्ति उसे मिला। वो बिजनेसमैन उस बूढ़ा व्यक्ति को वह चेकबुक जो चेक जो दिया था वो चेक लौटाने लौटाया उसे और बोला, ये वही चेक है जो आपने मुझे दिया था, मेरे मुसीबत में आपने साथ दिया था, पर आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे इस चेक को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद अपने दम पर फिर से काम को मेहनत फिर से खूब मेहनत की और अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया। जब तक वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहता तब तक सामने के पागल खाने से 2 व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ के लेके चला गया। तो वह बिजनेसमैन कहते हैं उसे, ये बताओ आप इसे क्यों लेकर चले जा रहे हो। तो वो बोलता है कि ये इसी लायक है। तो ये बोलता है नहीं, बिजनेसमैन बोलता नहीं, ये तो जॉन रॉकफेलर है जो इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है। तो वह दोनों कर्मचारी बोलते हैं, लगता है ये आपको भी बेवकूफ बना गया, ये जॉन रॉकफेलर नहीं है बल्कि उसकी एक्टिंग करता है और जो भी उसे मिलता है वो चेक काट के दे देता है। ये बातें सुन के उस बिजनेसमैन की तो समझो पैरों तले जमीन निकल गई, हैरान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि मैं जिसे चेक समझता था, जिसे पैसा समझ रहा था, वो पैसा तो पैसा था ही नहीं। मैं इतनी बड़ी बड़ी रिक्स लिया, ये तो पैसा था ही नहीं। तब बहुत देर समझने के बाद उसे समझ में आया, ये तो मेरे अंदर का जुनून था, मेरा आत्मविश्वास था, काम पर भरोसा था, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक फिर से पहुंचाया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ग्लेज बिजनेस का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का एजुकेशन आपके अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास भर देगा ना कि आप अपनी कामयाबी तक पहुंच जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह का यहाँ के सीनियर आपके अंदर इतना सपोर्ट करते हैं, इतना हेल्प करेंगे कि आप हर प्रमोशन की ओर बढ़ते चले जाएंगे।
आपको हर कदम पर यहाँ पर सिर्फ आगे बढ़ाने की बातें किया जाती है ग्लेज कंपनी में। दोस्तों उस दिन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, जब ये कहानी सुनी तब समझ में आ गया कि बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैं भी हार मान गई थी, तभी मेरे अपलाइन ने मुझे ग्लेज का एजुकेशन की ओर मेरा ध्यान किया। उन्होंने बताया पहले सीखो और मैंने सीखा। आज मुझे बात करने का तरीका मालूम है लोगों से। जब मैं ट्रेनिंग ली तब मैं लोगों से बड़े अच्छे से बात करती थी दोस्तों, लोगों को समझाती थी, लेकिन मैंने पहले ही फील्ड खराब कर दिया था जिसकी वजह से मेरी लिस्ट जो थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोस्तों मैंने शुरुआत में हॉट या वार्म मार्केट को मैंने शुरुआत में ही खराब कर दी थी, तो कोल्ड मार्केट से मैंने काम को शुरुआत किया, क्योंकि शुरुआत में तो खराब कर दी थी। जब मैं सीख कर काम को स्टार्ट की तो वो मेरा कोल्ड मार्केट था जिसे मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, बस ऐसे जान पहचान थी। मैंने उसे पहला अप्रोच किया और पता है महीने के 28 तारीख को मेरा पहला गेस्ट आया था प्रेजेंटेशन देखने के लिए। आप समझ सकते हैं एक बीड़ी का जब पहला गेस्ट आता है वो भी महीने के आखिरी टाइम में, तो कितना खुश होता है। दोस्तों मैं भी बहुत खुश थी कि मेरा पहला गेस्ट आया था, मैंने उसे अप्रोच किया था, वो काम को देखने आया, पर थोड़ी सी गलती रही, मैंने टाइम उसे नहीं अच्छे से बताया था। जब प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ शुरू हो गई वो हाँफता हुआ आया, यानी 10-15 मिनट निकल गई थी, फिर जाके वो हॉल में गया और आधे अधूरे तरीके से उसे जानकारी मिली। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ मैंने पूछा उससे पूछी कि भैया कैसा लगा काम, उन्होंने कहा काम तो अच्छा है पर मैं काम नहीं करूंगा, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। दोस्तों एक बीडी के सामने जब उसका गेस्ट पहला गेस्ट बोलता है मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं आईडी नहीं बनाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं उसकी बोलती बंद हो जाती है। दोस्तों जब मैं अभी बात कर रही तो वह दिन मुझे याद आ रहा है, यकीन मानिए उस दिन ऐसा ही था, मेरी भी बोलती बंद हो गई। मुझे लगा इतनी मेहनत से मैंने एक गेस्ट बुलाया वो भी मुझे ना कर रहा है, और मैं उसे समझा नहीं पाई। हालांकि बड़ी बड़ी बातें करती थी पर गेस्ट को मैं समझा नहीं पाई। मैं अपने अपलाइन के पास गई और उसे बोली कि सर एक बार चलिए आप बात करके देखिए, वो बोल रहा है फॉर्म नहीं भरेंगे, अभी आईडी नहीं बनाना है। फिर मेरे अपलाइन ने उससे गए उसके पास गए और उनसे बातें की, उनका क्लोजिंग किए, पर बंदा उस दिन नहीं माना, उस दिन वो घर चला गया। पर कहता है ना कि जब हमारा गेस्ट जाता है तो हमारे चेहरे पर स्माइल तब भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति काम करता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर उसके अपलाइन से ज्यादा कहीं ना कहीं उसकी लाइफ चेंज होती है। एक गेस्ट जो काम करता है उसका जीवन संवरता है, लेकिन ये हम उस वक्त नहीं समझ पाते हैं। उस दिन मेरे अपलाइन ने कहा था आप परेशान मत होइए, आप अपना काम करिए, और मैंने हंसते हुए उसे बोल दिया कि ठीक है भैया आप जाओ। लेकिन हमारा जो क्लोजिंग किया गया था, हमारे अपलाइन जो इतनी अच्छे से क्लोजिंग किए थे, उसे रात भर सोने नहीं दिया, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो कहता है कि मैम मुझे काम करना है, आप बताओ मुझे कब आना है। तो मैं बोली अब आपका काम नहीं होगा, अब मुझे फिर से बात करनी होगी, मैं देखती हूँ कोशिश करती हूँ। और फिर मैंने अपने अपलाइन से बात कराया, नेक्स्ट दिन वो बंदा आया, फिर से प्रेजेंटेशन पूरा मैं दिखाई। प्रेजेंटेशन देखने के बाद दोस्तों वो उसी दिन अपना आईडी बनाया और उसी दिन 600 पीवी का बिजनेस भी किया, उसी दिन यानी कि 29 तारीख को 600 पीवी का बिजनेस करके वो बीडी बन गया। उसके बाद मैंने तो गलती कर दी थी, तो कहा जाता अपनी गलती से हमें सीख मिल जाती है, तो मैं अपने डाउनलाइन को गलती करने नहीं दी। उसी दिन उसके साथ मैं बैठकर उसका लिस्ट बनवाई, उसे ट्रेनिंग दी। कहा जाता जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग होती है, जिस दिन हम आईडी बनाते हैं, उसी दिन कम से कम 10 लोगों का तो लिस्ट में नाम लिख लेना चाहिए। मैंने अपने डाउनलाइन के साथ बैठ के खुद उसके साथ बैठ के उसकी लिस्ट बनवाई, उसको ट्रेनिंग दी, और 30 तारीख को उसके साथ बैठ के उसके हॉट मार्केट में लिस्ट की शॉर्टिंग करके मैं बात करना स्टार्ट की। दोस्तों उस दिन उसके लिस्ट में से 10 लोगों से मैं बात की, जिसमें से 10-15 लोगों से मैंने बात की, पहले वो बात की और फिर मुझसे बात कराए। उसमें से 10 लोगों ने कहा यस ठीक है मैं काम करूंगा, मैं आऊंगा प्रेजेंटेशन देखने, क्योंकि मैं तो प्रेजेंटेशन देखने बुला रही थी। वो बोला हाँ आएंगे, और हमने कहा था देख लीजिए अगर आप यहाँ आते हैं तो साथ में अपने साथ पैसे भी लेते आइएगा, हो सके आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपके जरूरत का होगा प्रोडक्ट भी खरीद लीजिएगा।
तो उसमें से 7 लोग जो है 31 तारीख को हमने बुलाया था, 10 में से 7 लोग आए थे प्रेजेंटेशन देखने। उस दिन प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो सातों व्यक्ति को काम अच्छा लगा, सातों ने आईडी बनाया, सातों ने 600 PV करके बिजनेस किया। यह उनका हॉट मार्केट था। और इस तरह से 0 मंथ में वो व्यक्ति अपना एडी प्रमोशन लिया, मेरा जो डायरेक्ट डाउनलाइन था, और मैं भी एडी बन गई। एडी बनने के बाद दोस्तों यहाँ मेरा आत्मविश्वास भर गया, यानी आत्मविश्वास बढ़ गया पहले से ज्यादा कि अब मेरे साथ टीम है, लोग मुझे सम्मान देते हैं, मुझे मैम कह के बुलाते हैं। जहाँ ऑफिस में जाती हूँ तो वहां पर लोग मुझे इज्जत देते हैं, मेरी अपनी एक पहचान है। मेरी वजह से 4-5 लोगों की जिंदगी बन रही है। मैंने कम से कम 4 लोगों को तो काम दिलाया। मुझे ये अच्छा लगा, ये फील हुआ कि चलो मेरे वजह से उन्हें भी एक अच्छा काम करने का मौका मिला। और फिर दोस्तों मैं टीम वर्क में काम करने लगी, और उसके नेक्स्ट मंथ ही मैं और हमारी टीम मिलकर मास्टर प्रमोशन ली। मास्टर जब बने तो एक बहुत अच्छी टीम बन गई, जहां पर करीबन 15 से 20 लोग हमारे साथ हो गए, और वो सभी लोग गैलवे के प्रोडक्ट यूज करने लगे। उन्हें भी गैलवे का प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा, और वो भी लोगों को गैलवे के प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे। हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट यूज करो और लोगों को यूज कराओ, यानी कि सिर्फ अपना शॉप बदलो और लोगों का भी शॉप बदलवाओ। ये मैं की, और मेरे साथ मेरा डाउनलाइन भी करने लगा, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या चीज का है, डुप्लीकेशन का। हम जो करते हैं वही हमारी सेल टीम करती है। और इसी तरह का डुप्लीकेशन मेरे टीम में चला गया, और इस तरह से मेरा टीम बढ़ता गया। मास्टर के बाद 2 मंथ मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने लापरवाही की थी। मैं ही ध्यान नहीं दे पाई अपने टीम में, जिसकी वजह से मेरा टीम बिखर गया, सब अपने अपने कामों में बिजी हो गया। यहाँ पर ध्यान उन लोगों ने भी कम कर दिया। जब तक मुझे समझ में आया था तब तक टीम खराब हो चुका था। कहा जाता है कि गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर के फिर से संभलना ये बड़ी बात होती है। तो मेरी टीम टूट चुकी थी, खराब हो चुकी थी, पर यहाँ का ट्रेनिंग ने मुझे बताया कि रंजनी तू फिर से कर सकती है, फिर से टीम को उठा सकती हो। यहाँ का सिस्टम कहता है आप कामयाब हो सकते हो, यहाँ के अपलाइन हमेशा हमारे साथ होते हैं। और मैंने फिर से काम करना स्टार्ट किया, और 2 मंथ के बाद मेरे टीम में दोस्तों डायरेक्टर का प्रमोशन हुआ, यानी कि मैं डायरेक्टर बनी। और 0+6 मंथ में मैंने सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन लिया। हालांकि मैं स्टार सीनियर डायरेक्टर नहीं बनी, क्योंकि उस वक्त 0+4 मंथ था स्टार सीनियर डायरेक्टर का। पर आप सब बहुत खुश नसीब हैं कि आपके पास 0+7 मंथ है स्टार सीनियर डायरेक्टर बनने का। मैं सिंपल सीनियर डायरेक्टर बनी, लेकिन अपने नीचे स्टार सीनियर डायरेक्टर की लाइन लगा दी। मेरे नीचे बहुत सारे लोग स्टार सीनियर डायरेक्टर बनते चले गए, और इस तरह से मेरा टीम बहुत बड़ा हुआ दोस्तों। अब मेरा चेक 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 इस तरह से बनना स्टार्ट हो गया, बनता चला गया, बढ़ता चला गया। और मेरा जो पहला ड्रीम था 2 व्हीलर लेने का, मैंने अपने सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन का जो पहला चेक आया था वह था मेरा 43,000 का। मैंने उस पहला चेक से मैंने अपना पहला ड्रीम 2 व्हीलर टीवीएस की स्कूटी खरीदी। उसके बाद घर के जो जरूरत का सामान होता है, जो मेरे पिताजी ने घर बनवाया था जो अधूरा था, उसे कंप्लीट कराएं। घर की जरूरतों का सामान जो भी होता है वो सारे मैं अपने पिताजी के साथ हेल्प करने लगी, यानी कि अपने पिताजी के साथ मिलकर मैं अपने घर की जिम्मेदारी उठाने लगी। 50-60 हजार तो उस वक्त, यानी कि जब मैं ज्वाइन की थी उस वक्त के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद, ग्लेज में आने के बाद 50 हजार तो छोटी सी रकम हो जाती है। 50 हजार से लगता है कि यह तो बहुत छोटा सा रकम है, अब तो मुझे लाखों में जाना है दोस्तों। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अब 50 हजार से काम नहीं चलेगा, अब मुझे भी लाखों कमाना है, और इसके लिए मुझे प्रेसिडेंट बनना होगा। अभी तक दोस्तों मैं अपने घर पर रह के काम कर रही थी, घर से ही मीटिंग्स लेना, फील्ड जाना, ट्रेनिंग देना, सब मैं घर से ऑफिस जाती, शाम तक घर आ जाती थी, घर से काम करती थी। लेकिन जब प्रेसिडेंट बनने की बारी आई, मैं अपने घर पर ही रह के 2 लाइन को सीनियर डायरेक्टर बनाई। प्रेसिडेंट बनने के लिए 3 लाइन को सीनियर डायरेक्टर बनाना होता है, सभी को पता है ना। तो जब तीसरी लाइन को सीनियर डायरेक्टर बनाने की टाइम आया दोस्तों,
शुरुआत में मैं ज्यादा नहीं चार लाइन लेके चल रही थी, जिसमें से दो लाइन बड़ा अच्छा काम कर रहा था, दो लाइन कछुए की चाल चल रहा था, पर मेरे लिए अपने सपनों को जल्दी हासिल करना बहुत जरूरी था। दोस्तों लड़कियों के साथ परेशानी होती है, कुछ परेशानी ऐसी होती है जो उसे घर से निकलने भी नहीं देती है। जब जैसे मैं बात को जब हम घर से निकलते हैं तो लोगों की नजरें रहती है कि ये लड़की कहाँ जा रही है, क्या काम करती है, क्या काम करती है, कैसे पैसा कमाती। कहते हैं ना कि अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं ना, जितना अपने दुखों से परेशान नहीं होते उतना आपके सुखों से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे बारे में भी बातें होती थी, करती क्या है। पहले तो शुरुआत में रिजेक्शन मिला, यानी शुरुआती दौर की तारीफ। अब जब मैं अच्छा मेरे अंदर चेंजिंग आया, मैं टू व्हीलर से घूमने लगी, 50,000 इनकम आने लगा, अच्छा खासा, यानी मेरी लाइफ चेंज होगी, तो भी लोग परेशान थे कि ये करती क्या है। और दोस्तों जब मैं घर से निकलती तो बहुत सारे लोग मेरे माता पिता को बोलते थे, बेटी को कहां बाहर भेज देते हो, तरह तरह की बातें आप लोग समझते हैं। शुरुआत में जो दिक्कतें आती है, तो मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था। और उस दौरान मेरे घर में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा, कहा जाए तो एक बड़ी बात कही गई कि अब तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, अब घर में रहो। यानी कि एक ऐसी परेशानी आई जहां पर मुझे लगा कि पता नहीं अब मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था पता नहीं अब सीनियर डायरेक्टर तक ही बन के मुझे भी रुकना पड़ेगा, आम लड़की की तरह मुझे भी जिंदगी बिताना पड़ेगा। यानी कि मेरे घर में मेरे लिए शादी का दबाव डालने लगा कि अब इसकी शादी कर दी जाए ताकि ये अपने ससुराल चल जाए और उसके बाद जो करना है करेगी। पर दोस्तों मुझे लग रहा था मुझे पहले प्रेसिडेंट बनना है, और कई तरह की बातें हुई दोस्तों। लेकिन माता पिता को अगर आप समझाएंगे तो माता पिता समझते हैं। मेरे माता पिता मेरी बातों को समझे। मैं कहें कि पिताजी मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, अगर 6 महीने में मैं प्रेसिडेंट बन गई तो ठीक है, वरना आपकी जैसी मर्जी मैं वैसा ही करूंगी। 6 महीने का टाइम लेके दोस्तों मैं घर से बाहर निकल गई काम करने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, अपना नया लाइन खोलने के लिए। मैं फ्रेश मार्केट में काम की दोस्तों, फ्रेश मार्केट में काम करके एक नया डाइट लगाई, और उस डाइट को दोस्तों सिर्फ 0+3 महीने में, यानी कि 0 महीने में उसे मैंने पहले मास्टर प्रमोशन दिलाया 0 महीने में, उसके बाद डायरेक्टर, फिर 1 महीने थोड़ा सा ब्रेक हुआ दोस्तों, कुछ परेशानी आई, कहा था ना बड़ी परेशानी, बड़ी सफलता में बड़ी परेशानी। जैसे सोने की खान की कहानी आप लोग सुने हैं कि सोने की खान की जब खुदाई हो रही थी तो एक व्यक्ति ने क्या किया, थोड़ा सा सोना निकला और उसके बाद फिर खुदाई किया तो मिट्टी दिख रहा, तो उन्होंने बेच दिया एक कांवरी वाले को, और वो कांवरी वाले ने थोड़ा सा खुदाई करवाया तो वहां अर्थात सोना निकला। तो बड़ी कामयाबी चाहिए तो परेशानी भी बड़ी आती है। मेरी भी लाइफ में एक बड़ी परेशानी आई, उस टीम का जो मेन लीडर था उसी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से बुरी तरह वह घायल हो गया और वह बेड रेस्ट में चला गया 3 महीने के लिए, जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता था अगर मैं प्रमोशन ना लू तो मेरी लाइफ सेहत खत्म हो जाएगी, मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। अब मुझे भी जिस तरह घर वाले कहेंगे उसी तरह करना पड़ेगा। हालांकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं दोस्तों, पर मैं उस वक्त रुकी नहीं, 1 महीने रुका। लेकिन उसके नेक्स्ट में मैंने फिर से टीम से बातें की, ये बिजनेस टीम वर्क का है, जहां पर अपलाइन जिस तरह डाउनलाइन के लिए काम करता है ना, डाउनलाइन भी उसी तरह अपने अपलाइन के लिए काम करता है। और मैंने अपने टीम के साथ मीटिंग्स की, प्लानिंग्स की, और उसी मंथ यानी कि 3rd मंथ जो था 0+3 महीने, उस मंथ में वो लाइन सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन लिया, वो भी सिंपल सीनियर ने, स्टार सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन हुआ। और जैसे ही स्टार सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन हुआ दोस्तों, वो तो स्टार सीनियर डायरेक्टर बना, पर मैं रंजनी बनी प्रेसिडेंट। मैंने घर से 6 महीने का टाइम लेके आई थी और 5 महीने में अपना टारगेट को पूरा की थी। 5 महीने में मैंने प्रेसिडेंट लेवल को अचीव की थी, और प्रेसिडेंट बनने के बाद जो खुशी मुझे मिली, यकीन मानिए दोस्तों, वो पल अभी भी याद है। मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश थी, और मेरा 6 लाखों में आना स्टार्ट हो गया। और जब मैं घर गई तो खाली हाथ नहीं, बल्कि अपने साथ अपने प्रेसिडेंट लेवल के 2 महीने के इनकम से, 2 महीने के इनकम से मैंने 4 व्हीलर खरीदा, स्विफ्ट डिजायर कार खरीद कर अपने घर को वापस गई थी। और जब मैं घर गई दोस्तों, तो वह दिन
वह पल मुझे आज भी याद आता है, सभी लोगों ने मेरी तारीफें की, जो कभी कहा करते थे ये काम बेकार है, ये अच्छा नहीं है, वह सब ने कहा तू मेहनत बहुत करती थी, तुझे तो कामयाब होना ही था। सबने मुझे शाबाशी दिए, सबने मेरी तारीफें किए, यानी यकीन माने कि उस वक्त का नजारा ही बदल गया था। एक लड़की जब अपनी कमाई से फोर व्हीलर कार कैश पैसा देके लेती है ना, तो उसके माता पिता की खुशी का अंदाजा नहीं होता है। जो मेरे पिताजी सालों में कमाते थे, वो उसकी बेटी एक मंथ में कमाने लगी। मेरे पिताजी बहुत खुश थे कि मैं जो साल में 1 लाख कमाता हूँ, मेरी बेटी मंथ में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख कमा रही है। इस बात से मेरे पिताजी बहुत खुश थे। और प्रेसिडेंट बनने के बाद मानो मेरी मेरे अंदर सोचिए कि पंख लग गए, मैं उड़ना स्टार्ट कर दी, मेरे सारे सपने पूरे होने लगे। यानी कि फोर व्हीलर कार खरीदी, मेरा नेटवर्क बड़ा हो गया था, मैं प्रेसिडेंट बनी, मेरे नीचे भी लोग प्रेसिडेंट बने, कई जगह हमारी फ्रेंचाइजी खुली, हमारी टीम एक स्टेट में नहीं कई स्टेट में काम करने लगी। इसके बाद दोस्तों, अब तक की मैं बात करूं तो ये जो लड़की आज आपके सामने बात कर रही है, ग्लेज में आने से पहले 2-4 लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाती थी, आज ग्लेज की बदौलत, ग्लेज के एजुकेशन की बदौलत लाखों के बीच भी ये बेहिचक बात कर सकती है, लोगों को सिखा के कामयाबी का रास्ता दिखा सकती है। जिस लड़की का मतलब कोई पहचान नहीं था, ग्लेज में आने के बाद उसकी एक बड़ी पहचान बनी। जो लड़की कभी 100 रुपए के लिए तरस जाती थी, 100 रुपए भी उसके पास नहीं हुआ करता था, अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी उस दौरान, वो लड़की ग्लेज में आने के बाद पैसे की आजादी उसे मिली। जो कभी ट्रेन में सफर करती थी ना तो जनरल टिकट लेकर, लेकिन ग्लेज की बदौलत एसी से चलने लगी। जिसका सपना था कि एयर होस्टेज बनना है, ग्लेज की बदौलत वो हवाई जहाज से सफर करने लगी, मीटिंग्स लेने के लिए वह हवाई जहाज का टिकट बनाने लगी, हवाई जहाज से आना जाना करने लगी, उससे सफर करने लगी। दोस्तों, जो कभी सोचती थी कि मेरा अपना बड़ा शहर में, मेट्रो शहर में अपना घर हो, उस लड़की ने ग्लेज की बदौलत 55 लाख का कोलकाता जैसे शहर में अपना फ्लैट खरीदा। दोस्तों, ग्लेज ने मेरी जिंदगी वाकई में बदल दी, और मेरी ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी यहाँ बदली है। जो भी यहाँ के सिस्टम को फॉलो किया, वो सभी लोग आज कामयाब है यहाँ पर। और मैं यकीन मानती हूँ, यकीनन कहती हूँ, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं ना, वो सब भी अगर यहाँ के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो वो भी कामयाब होंगे। सिर्फ रंजनी ही नहीं, रंजनी के जैसे हजारों लाखों लोग ग्लेज में कामयाब है, आप भी कामयाब हो सकते हैं। मेरा सारा सपना ग्लेज की बदौलत पूरा हुआ। मैंने अपना फ्रेंचाइजी रायपुर में, रायपुर छत्तीसगढ़ में खोली। उसके बाद दोस्तों, रायपुर में भी मैंने अपना प्लॉट पूरे 40 लाख का खरीदा। और आज की मैं अपनी लाइफ बोलूं, ग्लेज ने, ग्लेज की बदौलत मुझे वह सब कुछ मिला जो मैंने कभी सपना देखा था, बल्कि उससे बढ़कर मिला। चलने के लिए वाहन के रूप में पुरानी साइकिल थी, आज फोर व्हीलर है, 3-3 स्कूटी है। रहने के लिए पिताजी का घर था, आज अपना कई जगह पर घर है, कोलकाता में अपना शहर है, रायपुर में अपना घर है। दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक शानदार लाइफ स्टाइल मिली, एक शानदार लाइफ स्टाइल। प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरी शादी हुई, शादी भी एक ऐसे फैमिली में हुआ कि आज मुझे गर्व है कि वो भी एक नेटवर्कर है, वो भी आज नेटवर्कर है, वो भी ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर है। और दोस्तों, आज जिस तरह मैं काम करती हूँ, मेरे साथ वो भी काम करते हैं, उनका पूरा सपोर्ट रहता है। जिस तरह मैं प्रेसिडेंट और साथ ही साथ ग्लेज कंपनी में प्रेसिडेंट और सिंडिकेट टीम के सदस्य हूँ, उसी तरह मेरे हस्बैंड रॉयल प्रेसिडेंट प्लस सिंडिकेट टीम के सदस्य हैं, जिनका नाम है मिस्टर उदय सिंघानिया। इस तरह से आज हम दोनों ही ग्लेज में काम करते हैं और एक शानदार लाइफ को जी रहे हैं। और मैं बता दूं, आप लोग जिस तरह मैगजीन में देखते हैं फोटो, ट्रेवल बोनस अचीव करके लोग विदेश यात्रा, ग्लेज की बदौलत दोस्तों मैं ही विदेश यात्रा करके आई। 2019 में जो यूरोप ट्रिप पर गया हुआ था टीम, उसके साथ मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, मैं और हमारे बच्चे, हम लोग सभी लोग यूरोप ट्रिप करके आए।
ये भी ग्लेज की बदलत, क्योंकि ग्लेज में काम कर रही थी इसलिए ये मौका मिला। शायद ग्लेज में ना होती तो इस मुकाम तक कब पहुंचते पहुंच पाते या नहीं, ये सब मिलता या नहीं पता नहीं। ग्लेज में मुझे कम टाइम में बहुत कुछ मिला, कम मेहनत में। ग्लेज की अच्छाई की अगर मैं बात करूं, पता है मुझे लगता है ये बिजनेस लड़कियों के लिए तो वरदान है, क्योंकि एक लड़की पढ़ाई करती है, पढ़ाई के बाद उसका लक्ष्य क्या होता है कि चलो हर कोई लड़का हो या लड़की सबका लक्ष्य होता है पढ़ाई के बाद जॉब करना, हर किसी का होता है, मेरा भी था। लेकिन दोस्तों अगर मैं जॉब करती तो क्या ये सब मिल पाता, क्या होता? सुबह 10 बजे जॉब पर जाती, शाम के 4 बजे आती, क्या ये आजादी मिलती? क्या मैं अपने फैमिली के साथ 10 दिन विदेश ट्रिप करके आ पाती? क्या लाखों का चेक बन पाता? क्या अपने पास आज जिस तरह का लाइफ स्टाइल है क्या ये मिल पाता? नहीं, पर ग्लेज में मिला, डायरेक्ट सेलिंग में मिला। कहता नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग, यस डायरेक्ट सेलिंग है वो जगह जहां से आप सपनों को पूरा कर सकते हैं, पर वो डायरेक्ट सेलिंग कौन सी होनी चाहिए ये भी आपको तय करना होगा। डायरेक्ट सेलिंग आज बहुत है, पर कौन सी डायरेक्ट सेलिंग जो आपको आपके ड्रीम को पूरा करवा सकते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग चुनना आपको पड़ेगा। मैंने ग्लेज को चुना, मुझे गर्व है कि मैं गैल्वियंस हूं, मुझे गर्व है कि मैं ग्लेज में काम करती हूँ। मेरा पूरा परिवार आज जो प्रोडक्ट यूज करता है गैल्वे का प्रोडक्ट यूज करता है। मेरे बच्चों से आप पूछेंगे तो वह गैल्वे के अलावा बाहर के प्रोडक्ट के बारे में शायद ही जानता है। सुबह उठते ही टूथपेस्ट गैल्वे का यूज करते हैं, नहाना है तो बॉडी वॉश गैल्वे का, वो लोग जब दूध पीते हैं तो उसमें भी गैल्वे का यूज करते हैं। बच्चों के लिए गैल्वे का आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग स्पिरुलिना, किचन में जाते तो राइस ब्रान ऑयल, चाय पीना हो तो गैल्वे की ग्रीन टी है। सुबह से शाम तक जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वह गैल्वे का ही, और इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करके आज मैंने सारे सपने पूरे किए हैं। इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता के आज मैं कई लोगों की जिंदगी बदली हूँ, उन्हें भी लाखों कमाने के लायक बनाई हूँ। ये गैल्वे ने हम सबको मौका दिया है। तो एक बार मैं कहूंगी ग्लेज कंपनी के लिए और ग्लेज कंपनी के सभी डायरेक्टर चेतन सर, संदीप सर, सरबजीत सर के लिए जोरदार ताली, तहे दिल से ताली होनी चाहिए और धन्यवाद होनी चाहिए, जिनकी वजह से आज मैं ही नहीं लाखों लोग अपने ड्रीम्स को पूरे किए हैं। दोस्तों ग्लेज का काम के बारे में बात करूं, यहाँ की अच्छाई के बारे में, आज आप जाने की मैं यहाँ तक पहुंची। दोस्तों कभी मैं भी किसी की बातें सुना करती थी, मुझे लगता था पता नहीं वो पहुंच गए मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं, अरे वो पहले आए तो पहुंच गए मैं कर पाऊंगी या नहीं। पर दोस्तों जो व्यक्ति ठान लेना कि मुझे जीतना है तो वो जीत कर ही रहता है। जो व्यक्ति के अंदर इच्छा मजबूत होगी ना उसे कोई रोक नहीं सकता। कहता है ना कि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो जहां वहां निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी तो सभी जीते हैं दोस्तों, जियो ऐसा कि मिसाल बन जाओ, और ये ग्लेज में मिलता है। दोस्तों आज मैं जो भी चीज हासिल कर पाई हूँ वो प्लेटफॉर्म ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर मुझे जो सपोर्ट दिया, मुझे जो रास्ता दिखाया, यहाँ के सभी ग्रेट अपलाइन भगवान स्वरूप डायरेक्टर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि लड़का हो या लड़की सभी यहाँ कामयाब हो सकते हैं। यहाँ के अपलाइन हर वक्त एक ही बात बोलते हैं, तुम कामयाब हो सकती हो, तुम्हें कामयाब होना है, हम मिलके कामयाबी दिलाएंगे। हमेशा अपलाइन सपोर्ट करते हैं और हमारी सेल्स टीम हमारे साथ होती है, उनका विश्वास होता है यस अगर हमारे अपलाइन बोल रहे हैं तो हम भी कामयाब होंगे। जब अपलाइन डाउनलाइन का तालमेल होता है और इतना शानदार कंपनी हो तो वहां कौन रोक सकता है किसी को कामयाब होने से। तो दोस्तों यहां से मैंने ये सब चीज हासिल की, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला सीखना जरूरी है, गलती करके सीखने से अच्छा है पहले आप सीख लो, दूसरे की गलती से सीख लो। कहते हैं जो गलती करके सीखते हैं वो व्यक्ति तो चलो ठीक है, लेकिन जो दूसरों की गलती से सीख जाए वो तो जीनियस होते हैं। अपनी गलती से सीखे तो समझदार, दूसरों की गलती से सीखे तो आप जीनियस। तो मैं आपको समझदार नहीं, मैं आपको कहूंगी आप जीनियस बनो, दूसरों की गलती से सीखो कि हमें यहाँ कैसे काम करना चाहिए। दूसरा चीज अपलाइन जब कहते हैं ना लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट जरूर बनाए,
अपलाइन कहते हैं ट्रेनिंग लो तो ट्रेनिंग जरूर ले और कभी भी गैलरी की मीटिंग मिस ना करें। चाहे एक वक्त का खाना हम कम खाएं दोस्तों, लेकिन मोबाइल में नेट पे जरूर डलवाएं और मीटिंग्स को अटेंड करें, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ के सिस्टम को फॉलो करें। कहते हैं कि यहाँ का हम लोग की मेहनत तो रंग लाएगी ही लाएगी, लेकिन अपने मन से करेंगे तो नहीं, जो यहाँ के सिस्टम कहते हैं उस पर काम करना होगा। ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग लेने के बाद डाउनलाइन को सिखाना, उसे फॉलोअप करना, गैलवे के प्रोडक्ट्स यूज करना, जिस तरह मैं आज गैलवे के प्रोडक्ट यूज करती हूँ और जो भी मुझसे मिलते हैं उन्हें भी मैं गैलवे प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ। हमारे घर में जो भी आते हैं उन्हें गैलवे के प्रोडक्ट जरूर मैं दिखाती हूँ, वो देखते हैं, वो भी एक दो प्रोडक्ट लेते हैं। अपने घर में ड्रीम कॉर्नर मैंने सजा के रखा है, मैं आपको भी कहूंगी आप भी ड्रीम कॉर्नर सजा के रखिए। यहाँ की सिस्टम यानी कि प्रोडक्ट यूज करना, ट्रेनिंग लेना, मीटिंग्स अटेंड करना, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, लोगों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर करना, ये काम जब करेंगे तो आपकी टीम बढ़ती जाएगी और जब टीम बढ़ेगी तो आपकी इंसेंटिव बढ़ेगी और जब इंसेंटिव बढ़ेगा दोस्तों तो आपके सारे ड्रीम पूरे होने लगेंगे। कहते हैं कि जो काम हम करते हैं, जैसे पहले हमने सोचा मुझे कामयाब होना है, जब सोचे, सोचने के बाद क्या सिर्फ सोचने से हो जाएगा, सोचने के बाद कर्म करना पड़ता है यानी काम करना पड़ता है। जब काम हम लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और जब आदत बन जाती है, जैसे आज मेरी आदत बन गई है सुबह उठते ही गैलवे की ग्रीन टी यूज करना, ये हमारी आदत बन गई है तो ये आदत अच्छी आदत है और जितना हम ग्रीन टी यूज करेंगे हमारे इंसेंटिव में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसके बारे में और लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो हमारी आदत अच्छी होगी तो हमारा चरित्र कैसा होगा। जिस तरह मैं ग्रीन टी पी, मुझे अच्छा बेनिफिट हुआ, मैंने और किसी को ग्रीन टी के बारे में बताया, उन्हें भी अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, तो वो कहेंगे देखो उनकी वजह से आज मुझे ये बेनिफिट हुआ। इस तरह से मेरे बारे में लोग अच्छी बातें कहेंगे, अच्छा चरित्र, जब अच्छा चरित्र होगा तो कामयाबी भी 100% मिलेगी। यानी सोच के बाद कर्म, यानी कि काम करना होगा, काम के बाद उस चीज को अपनी आदत में लाना होगा, आदत के बाद जब आदत अच्छा तो वही आपकी चरित्र की पहचान कराता है। तो गैलवे इज द बेस्ट कंपनी, गैलवे से बेस्ट और कुछ नहीं है। गैलवे में काम करते हैं, गैलवे के प्रोडक्ट यूज करिए, गैलवे की मीटिंग्स लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और जहां भी जाइए गैलवे प्रोडक्ट के बारे में जरूर बातें करिए, क्योंकि यही वह जगह है, यही वह प्रोडक्ट है जो आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। काम जॉब करने नहीं जा सकती, मुझे घर पर ही रहना पड़ता है, मैं हर हाउस वाइफ को कहूंगी कि ये बातें अब खत्म हो गई। अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो भी इस काम को कर सकती है, वो अपने काम से फ्री होकर गैलवे के प्रोडक्ट के बारे में बता सकती है, जान सकती है, ट्रेनिंग ले सकती है, शेयर कर सकती है। स्टूडेंट भी इस काम को कर सकता है, जॉब क्लास व्यक्ति भी काम कर सकता है, किसान भी काम कर सकता है, हर वो व्यक्ति जो कामयाब होना चाहता है, जो अपने सपनों को पूरा करना सकता है, उन सब के लिए कामयाब, वो सब यहाँ पर कामयाबी को हासिल करेगा। गैलवे बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है और इस तरह से मुझे कामयाबी मिली दोस्तों। कहते हैं ना कि परेशानी तो आती है, जब कोई काम करते हैं ना तो परेशानी आती है। जीवन में जब परेशानी आए ना तो समझ जाइए ईश्वर आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, क्योंकि हर मूवी में आप देखते होंगे सबसे कठिन रोल जो होता है वो किसे मिलता है, बेस्ट एक्टर को। तो शायद ईश्वर ने हमें चुना है उसके लिए, क्योंकि हमें बेस्ट रोल मिला है। अगर परेशानी मिल रही है तो कामयाबी भी मिलेगी, तो 100% ग्लेज में कामयाबी होगी दोस्तों, कामयाबी मिलेगी जिस तरह से मुझे मिला। और मैं आप सभी को यही बातें कहूंगी कि बेफिक्र होकर ग्लेज में काम करें, धैर्य रखें, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वृक्ष जब बोते हैं ना तो तुरंत फल नहीं देता है, उसमें टाइम लगता है। गैलवे बिजनेस भी ऐसा ही है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो तुरंत आपको इंसेंटिव नहीं आता, लेकिन हाँ एक ही काम को करके आप 11 तरह के इनकम को कमा सकते हैं। एक ही काम से प्रोडक्ट यूज करना है, यूज करवाना है, लोगों के साथ शेयर करना है, यही काम को करके, एक काम को करके आपको 11 तरह का इनकम कमाने का मौका मिलता है, ये बाहर और कहीं नहीं है। यही से आप रिटेल इनकम कमा सकते, परफॉर्मेंस बोनस इनकम कमाएंगे, मास्टर बोनस की, कस्टमर लॉयल्टी, इस
तरह से आप यहाँ पर टोटल दोस्तों 11 तरह के इनकम कमाएंगे। दोस्तों एक काम करते हैं और बाहर में तो लोग अपने बारे में सोचते हैं, उनका अपना सपना पूरा नहीं होता तो वो दूसरे की काम की बात क्या करेंगे, पर ग्लेज बिजनेस में जब एक व्यक्ति आता है तो अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी को सवार देता है। ग्लेज बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं खुश नसीब हूँ और मैं ईश्वर का बार बार धन्यवाद करती कि मुझे एक ग्लेज जैसा कंपनी में काम करने का मौका मिला और इस कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर का दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, चेतन सर, संगीत सर और सरबजीत सर का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पर हर कोई कामयाब हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही समाप्त करती हूँ। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है और राजेश मोदी सर को एक बार फिर से धन्यवाद कि मुझे आज मौका मिला बात करने का। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू ऑल गैलरियंस और सीनियर्स का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।